Good morning, children. How are you all? Yes, I am perfectly fine. जी बच्चों, आज आप बहुत excited लग रहे हैं, नहीं लग रहे? मैं तो बहुत excited हूँ भाई. जी, क्योंकि मैंने जो है आज एक picnic plan की है और मैं जा रही हूँ picnic पे. चलना है मेरे साथ? चलना है? चलें मेरे साथ picnic पे चलते हैं. चलेंगे मेरे साथ में? तो हम क्या करते हैं? अरे भाई, आराम से बैठे. आज हमारी स्टोरी का नाम है प्लान योर पिकनिक. जी, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. जी, स्टोरी का नाम सुन के ही आप इतने एक्साइटेड हो गए हैं, तो सोचें जब आप स्टोरी पूरी सुनेंगे तो कितना मज़ा आने वाला है ना? तो अब आप क्या करेंगे, आप जो है ध्यान से मेरी स्टोरी सुनेंगे. आपने कहीं यहाँ नहीं देखना है, वहाँ नहीं देखना है, कहीं अपनी, जी कहीं भी आपने जो है अपने आप को डिस्टर्ब नहीं रखना है. बिल्कुल मेरी बात को गौर से सुनना है, क्योंकि जब आप मेरी स्टोरी सुन लेंगे, क्योंकि मैं ये स्टोरी अपनी फ्रेंड से सुन के आई हूँ, और जब आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो फिर आप भी तो अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे. और अगर अब ये आप स्टोरी मेरी ध्यान से नहीं सुनेंगे, इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगे, तो कैसे अपने दोस्तों को सुनाएंगे, है ना? जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी. और स्टोरी में पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास. देखें ज़रा, ये स्टोरी में हमारे पास मौजूद है, स्टोरी का नाम हमारा है प्लान योर पिकनिक. यहाँ पे हमारे पास क्लाउड्स मौजूद हैं, रेन ड्रॉप मौजूद हैं, और यहाँ पे कुछ हवा, विंडी ब्लोइंग टाइप का हमारे पास पिक्चर मौजूद है. यहाँ पे फोरकास्ट का है हमारे पास एक प्रेटस, और यहाँ थर्मामीटर भी मौजूद है. भाई ज़बरदस्त. तो यहाँ मतलब ये हमारे पास मौजूद हैं चीज़ें, और इनके साथ में हम क्या करने वाले हैं? यस, अपनी स्टोरी सुनने वाले हैं. तो स्टोरी सुनते हैं से. यस, खामोशी से मेरी स्टोरी सुननी है. स्टार्ट करें? चलें जी, स्टार्ट करते हैं. स्टोरी का नाम है प्लान योर पिकनिक, और चैप्टर नंबर है हमारा 4. ब्लैक क्लाउड्स रोल्ड द सनशाइन, लाइटनिंग फ्लैश्ड अगेंस्ट द डार्क स्काई. सून इट बिगन टू रेन, इट फर्स्टली लाइटली देन हेवीली. क्या हुआ भाई? यस, काले बादल जो हैं वो आ गए और सनशाइन को अपनी लपेट में ले लिया, और इसके साथ ही जो है लाइटनिंग स्टार्ट हो गई, डार्क स्काई हो गया, अंधेरा छा गया. और क्या हुआ, इसके साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत तेज बारिश हुई. ओह, व्हाट अबाउट आवर पिकनिक, आस्क्ड तूबा. तूबा ने कहा कि अब क्या होगा भाई हमारे पिकनिक का. वी शुड हैव लिसन टू द वेदर फोरकास्ट बिफोर प्लानिंग अवर पिकनिक, मदर सेड. मदर ने क्या कहा कि हमें जो है अपने पिकनिक प्लान करने से पहले वेदर फोरकास्ट जो है जरूर सुननी चाहिए थी. वेदर फोरकास्ट क्या होता है, देखते हैं. वेदर फोरकास्ट, व्हाट इज वेदर फोरकास्ट, तूबा एंड रजा आस्क टुगेदर. जी, जैसे आपने मुझसे पूछा उसी तरह से तूबा ने और रजा ने पूछा कि भाई ये वेदर फोरकास्ट क्या होती है. फर्स्ट आई मस्ट टेल यू अबाउट वेदर, सेड फादर. तूबा एंड रजा वर लिसनिंग केयरफुली. सबसे पहले उनके फादर ने कहा कि मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है. तो रजा और तूबा उनकी बात ध्यान से सुनने लगे, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं. Weather tells us about heat, cold, wind and rain. There are many different kinds of weather. It can be rainy or dry, cloudy or sunny, windy or calm. The three main things that make the weather are the sun, air and water, said father. जी, इन्होंने क्या बताया वेदर के बारे में, कि वेदर हमें क्या बताता है, हमें जो है वो हीट के बारे में, गर्माइश के बारे में, ठंडी के बारे में, ठंड के बारे में, हवा के बारे में और बारिशों के बारे में बता रहा होता है. हमारे पास बहुत से वेदर्स होते हैं, बहुत से मौसम होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कुछ ड्राई वेदर होता है, कभी रेनी वेदर होता है, क्लाउडी वेदर होता है, हमारे पास सनी होता है, विंडी होता है. जी, हमने कल पढ़ा था ना, ये सारे वेदर पढ़े थे. यस, वेरी गुड. तो क्या होता है, ये सारे वेदर्स होते हैं, इनमें तीन चीज़ें जो हैं वो उनका मेन पार्ट होता है. क्या, किस चीज़ का होता है? एक सन का होता है, एयर का होता है, वाटर का होता है. जब सन सामने आ जाता है तो फिर वो सनी डे हो जाता है, वो छुप जाता है, क्लाउड्स आगे आ जाते हैं उसके, तो वो
क्लाउडी डे हो जाता है, और अगर एयर बहुत तेज चलने लगती है तो वो विंडी हो जाता है, और अगर पानी बरसने लगता है तो वो रेनी हो जाता है। तो ये तीन पार्ट जो होते हैं बहुत ही मेन होते हैं किसी भी वेदर को बनाने के लिए। सन, एयर एंड वाटर, हाउ डू दे दीज मेक वेदर? तो वह आज इन सरप्राइज, सन, एयर, वाटर, ये कैसे किसी वेदर को बनाते हैं भाई? तो बने आज पूछा भाई, बहुत सरप्राइज दी। सन हीट्स द एयर, हॉट एयर इज लाइटर देन कूल्ड एयर, सो इट राइजेस। सन जो है वो हीट अप करता है, गर्म करता है एयर को, और हॉट एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से लाइट होती है, हल्की होती है। इसी तरह से जो है वो, जब हॉट एयर जो है वो लाइटर होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। द कोल्ड एयर टेक प्लेस टू इट्स प्लेस, इट कॉजेज विंड्स टू ब्लो दिस वे टू सन एंड द एयर मेक्स द वेदर रिप्लाइड फर्दर। तो फिर क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है वो अपनी नीचे जगह बना लेती है, और फिर क्या होता है, विंड्स, यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, और उससे क्या होता है, क्या होता है जी, इससे ये होता है कि आपके पास वेदर जो है वो चेंज होता है सन के जरिए, एयर के जरिए। सन जो है वो हीट अप कर देता है एयर को, एयर ऊपर चली जाती है, और ठंडी हवा जो है अपनी जगह बना के विंडी वेदर बना देती है। द विंड इज मूविंग एयर एंड इट्स इनविजिबल, सेट टू बा, विंड जो है वो चलती है, हवा चलती है, कभी नजर आई आपको हवा चलती हुई यहाँ से वहाँ घूमती हुई नजर आएगी? नहीं, क्योंकि एयर जो होती है वो इनविजिबल होती है। वेरी गुड, सेट फादर, फादर ने कहा बिल्कुल जबरदस्त, सही कहा आपने कि रेन जो होती है वो इनविजिबल होती है। तू बा आज, हाउ इज वाटर अ पार्ट ऑफ वॉट वेदर? तू बा ने कहा कि वाटर किस तरह से पार्ट बन जाता है वेदर का? हमने सन का देख लिया, हमने एयर का देख लिया, तो हमें वाटर का भी तो पता चले। उन्होंने कहा रेन, स्नो एंड फॉग आर फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड अ पार्ट ऑफ द वेदर, बट रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिप्लाइड फादर। रेन सबसे ज़्यादा तो बारिशों में, जी सबसे ज़्यादा हमें कहाँ नज़र आता है बारिशों में? पानी नज़र आता है, स्नो होती है, बर्फ़ होती है, फॉग होता है, इन सब में क्या होता है, जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, मौसम में चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो इसके ज़रिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें रेन, जो हर जगह हो रही होती है ना, सबसे ज़्यादा पानी इसी में यूज़ हो रहा होता है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा पानी की असल शक्ल नज़र आ रही होती है। वेदर का फोरकास्ट इज़ अ गेस अबाउट द वेदर इन एडवांस। वेदर फोरकास्ट क्या होता है कि हमें किसी भी वेदर के बारे में, मौसम के बारे में पहले से पता चल जाता है। वी कैन नो द वेदर फोरकास्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो, मदर इन्फॉर्म्ड। और हम वेदर फोरकास्ट को कहाँ से हासिल कर सकते हैं, कहाँ से सुन सकते हैं? जी हाँ, हमें न्यूज़पेपर में पता चल जाता है, हमें टीवी में पता चल जाता है, हम रेडियो पे सुन सकते हैं कि भाई आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या फोरकास्ट है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने पिकनिक्स को, अपने किसी भी प्लान्स को जो है वो प्लान कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी ओकेशन हो, हमारा कोई टूर हो, कोई ट्रिप हो, कोई पिकनिक हो, तो हम प्लान कैसे करें, हमेशा अपने वेदर फोरकास्ट को ध्यान में रखें, हमेशा सुन के रखें, उसके बाद जो है प्लान करें। ठीक है जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़े की स्टोरी, आपने सुनी, आपने ये वीडियो बार बार देखनी है, बार बार देखनी है, ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए वेदर के बारे में, फोरकास्ट के बारे में, और फिर आप अच्छे से अपने दोस्तों को बता सके, और अपने पेरेंट्स को भी बताइएगा भाई कि आज हमने स्टोरी में नई नई चीज़ें सीखी हैं। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उन्हें भी बताइएगा कि आज की स्टोरी में क्या क्या सीखा है आप लोगों ने। कल हम मिलेंगे नई एक्टिविटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।